हाँ जी किसान साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल पर नए वीडियो के साथ फिर से स्वागत है। तो आज बिजाई करने आए थे हम गेहूं की जगह सीड सुपर सीडर, पराली का खेत है, आप लोग देख सकते हैं सारी पराली पड़ी हुई खेत में, और सफाई आप लोग देखिए। एक पहले गियर में ट्रैक्टर चल रहा है, जॉन डीयर 53 गियर प्रो 50 HP का ये ट्रैक्टर है, 7 फीट का सुपर सीडर है ये। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी सफाई है इसकी। अभी हमने हाल ही में ख़रीदा इसको, चैन ड्राइव में ये सुपर सीडर आया है, गियर ड्राइव में भी है, लेकिन इसको अभी हमने गियर ड्राइव नहीं ली, चैन ड्राइव ही ली, सेकेंड हैंड में मिल गया था हमको कम पैसे में, तो बढ़िया था, 1 महीने का चला हुआ था, 1 सीज़न का। तो गहराई आपको दिखा देते हैं हम, ये देख लीजिए आप, इसकी गहराई आप लोग देख सकते हैं, लगभग 4 इंच के आसपास इसकी गहराई है, 4 से 5 इंच। तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट रहा है इसका अभी तक। ये खेत भी आप लोग देख सकते हैं, जगतजीत का सुपर सीडर का सफाई के मामले में काफ़ी बढ़िया सुपर सीडर है। तो किसान साथियों, पराली का पक्का हल तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक इसका हल हो जाता है, निवारण हो जाता है, आपकी जो खाद और बीज सीधा ज़मीन के अंदर चली जाती है रोटावेटर से जुताई करने पर, बुआई करने पर, तो सारी लगभग 50% बीज ऊपर ही रह जाती है और पूरी उसकी जर्मिनेशन नहीं हो पाती है। तो पूरी जर्मिनेशन नहीं होने के कारण काफ़ी नुकसान होता था और उसकी बीज पूरी नहीं जम पाती थी, किसान परेशान हो जाता, कौवा भी उसके उस दाने को चुग लेता था। तो बस, तो सुपर सीडर का एक फ़ायदा ये है कि सारी जो बीज होती हैं वो सीधा नीचे चली जाती हैं, आप लोग देख सकते हैं इसकी टाइने लगी हुई है और ये जो गिर रहा है, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट रहा है इसका। हमने पहली बार सुपर सीडर खरीदा, तो किसान साथियों आप लोग सुपर सीडर ज़रूर अपनाएं और लगभग लाइन से बुआई करें, लगभग कृषि विभाग भी यही कहता है और इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो पराली का खेत होता है उससे जो पराली होती है वो ज़मीन के अंदर सीधे नीचे चली जाती है और नीचे जाने के बाद वो खाद बन जाती है, और दूसरा फ़ायदा यह है कि सारी बीज ज़मीन के अंदर जाती है, बाहर ऊपर कोई नहीं बीज नहीं रहती, जितने भी बीज नीचे जाएगी खाद और बीज साथ में जाएगी, तो उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा और पूरी बीज जो है उगेगी। तो किसान साथियों आप लोग जहां तक हो सके खेत में आग ना लगाएं और अगर आग लगाएंगे तो उससे जो है काफ़ी नुकसान होगा, आपकी खेत की जो उर्वरक शक्ति है वो कम हो जाएगी, तो आप लोग आग ना लगाएं। और इसके एक और भी इसका फ़ायदा है कि एक ही बार में इसका जो है गेहूं की बिजाई हो जाती है, अब एक ही बार में बिजाई होने से खर्च कम आता है, लागत कम आती है, तो ना तो आपको ज़्यादातर किसान साथियों आप लोग कम खर्चे में अपनी गेहूँ की बिजाई कर सकते हैं, काफ़ी फायदेमंद है और रिजल्ट भी अच्छा रहा है अभी तक।
जॉन डियर की 53-10 गियर प्रो है ABCD गियर में, और पराली होने की वजह से ए के पहले गियर में ये गाड़ी चल रही है, और सफाई आप लोग देखिए बहुत अच्छी सफाई है। काफ़ी बढ़िया। तो किसान साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों में शेयर कर दीजिए। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के हम आते रहते हैं अपने चैनल पर, और हमारे चैनल को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी आज इसके परफॉर्मेंस के बारे में हमारी वीडियो थी, अगली वीडियो हमारी जो आएगी तो इसके रखरखाव, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ी जो पहले ही बार में किसान लेता है तो थोड़ी प्रॉब्लम फेस करता है इसको सेट करने में, वो सारी चीज़ें हम जो है बताएंगे, इसकी टिप्स जो है बताएंगे, कितने भी क्या करना चाहिए कि उसी के बारे में बताएंगे, कितने नंबर पर इसको सेट करें तो ये कैसा चलेगा, कैसा रिजल्ट देगा, सारी चीज़ें, और इसके द्वारा जो बिजाई हम कर रहे हैं इसकी सारी वीडियोज भी हम शेयर करेंगे किसान भाइयों में। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे वीडियो को किसान भाइयों में। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। किसान साथियों नमस्कार।